टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन करवा रहे थे हम, नेक्स्ट अपवर्ड डाउनवर्ड के बाद देखेंगे लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस। लिखिए हॉरिजॉन्टल, लेटरल कम्युनिकेशन। बढ़िया से समझेंगे हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशंस। जितने भी कंसर्न होते हैं, बड़े बड़े कंसर्न में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट में टॉप लेवल से लेके कोऑर्डिनेट नीचे तक होते हैं। तो अब देखेंगे सबसे ऊपर में टॉप लेवल रहेगा, नीचे में मिडिल लेवल रहेगा, सबसे नीचे में आप जानते हैं वर्कर्स होते हैं। यहां पर बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो दूसरे डिपार्टमेंट दूसरा होना चाहिए, बट उसका लेवल क्या होना चाहिए, मैनेजर ही होना चाहिए। अगर टॉप लेवल है तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल है तो मिडिल लेवल। बोलता है द कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंप्लाइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्किंग एट द सेम लेवल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन। इसका मतलब यह हुआ कि दो डिपार्टमेंट के सेम लेवल के लोग अगर आपस में बात करते हैं तो इस तरह के कम्युनिकेशन को क्या बोला जाएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा और लिखिए, आगे बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इक्वल्स। बिटवीन इक्वल्स दो डिपार्टमेंट के अगर मैनेजर आपस में बात करते हैं तो उसको पता चलता है कि मेरे यहां क्या हो रहा है, उसके यहां क्या हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल यानी लेटरल कम्युनिकेशन आपने समझ लिया, डिपार्टमेंट दो होना चाहिए बट जो पोस्ट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लिख लीजिए। एडवांटेज बोलेगा या मेरिट्स बोलेगा, इसमें पॉइंट्स बोल के नहीं है, आपको एक एक लाइन करके लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए। पहला आप देख रहे हैं, इट प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंटल मैनेजर्स और इंडिविजुअल्स। ये नहीं कि मैनेजर बात करेगा, आप किसी कंसर्न में काम करेंगे, दो डिपार्टमेंट है तो आप भी बात कर सकते हैं, अगर आप टॉप लेवल में नहीं है, मिडिल लेवल में नहीं है, अगर आप सबऑर्डिनेट हैं, आप वहां वर्क करते हैं तो आप इससे उससे बात कर सकते हैं। इस तरह का जो सेम लेवल अगर रहेगा, डिपार्टमेंट अगर अलग रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इट प्रमोट्स द सोशल रिलेशंस अमंग द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भले ही डिपार्टमेंट अलग अलग हो, लेकिन अगर आपस में बातचीत करते हैं तो क्या बढ़ता है, वहां पर सोशल रिलेशनशिप ग्रो करता है। थर्ड, नेक्स्ट थर्ड, इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द एम्प्लॉइज और वर्कर्स। इसका मतलब क्या हुआ, दो डिपार्टमेंट अलग अलग है बट कंसर्न तो सेम है ना, डिपार्टमेंट अलग अलग है, कंसर्न तो सेम है, हो सकता है कि आपको अदर डिपार्टमेंट के किसी भी एम्प्लॉइज से आपका प्रॉब्लम है, उससे आपका रिलेशनशिप गुड नहीं चल रहा है, तो बातचीत करेंगे तभी तो रिड्यूस होगा या खत्म होगा वो कॉन्फ्लिक्ट्स। फोर्थ, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज स्मूथली बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में अगर आप बात करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होता है, आप एक दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में समझ सकते हैं और जान सकते हैं।
ये तो एडवांटेज था, अब आइए इसका डिसएडवांटेज को देखें, मिटा दें, उसी के नीचे लिखिए डिसएडवांटेज, ये रहने देते हैं। अब आइए डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स, क्या बोल रहा है उसको समझिए। देखिए कंपटीशन तो सभी में रहता है, किसी भी कंसर्न में अगर आप जाते हैं, किसी भी कंसर्न में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे सेम लेवल में कंपटीशन रहता है। कारण क्या है, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो दूसरा सोचता है कि इस बार ये प्रमोशन लेके आगे ना बढ़ जाए। समटाइम्स ये भी अनसिक्योरिटी फील करता है लोग, अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो मेरा नौकरी भी जा सकता है। कंपटीशन तो रियल लाइफ में हर जगह है, स्टूडेंट्स लाइफ को अगर छोड़ दिया जाए, स्टूडेंट्स लाइफ में अगर जिस दिन कंपटीशन हो गया ना तो फिर सोचिए मत क्या होगा, पूरा इंडिया ही चेंज हो जाएगा। लेकिन हर एक कंसर्न में ये तो होता ही है, जब आप भी काम करेंगे तो आप हर समय क्या सोचेंगे कि मैनेजमेंट के नजर में हम आए, हम बढ़िया वर्क करें, ताकि मैनेजमेंट सोचे ये बहुत ही गुड वर्कर है। जैसे ये फोकस हो जाएगा तो आपका प्रमोशन, आपका सैलरी सब कुछ बढ़ जाएगा। समटाइम्स इंप्लाइज एट द सेम लेवल इनसिक्योर इन द एनवायरमेंट ऑफ द कंपटीशन, इनसिक्योर फील करता है अमंग themselves, सो इट मे बी पॉसिबल दे डू नॉट कम्युनिकेट विथ ओपन हर्ट। वो लोग आपस में जरूर बात करते हैं लेकिन खुलकर बात नहीं भी कर सकते हैं, खुलकर बात नहीं भी कर सकते हैं। दो डिपार्टमेंट अलग अलग है लेकिन खुलकर बात नहीं करेंगे। जैसे देखते हैं ना, कभी कभी आपको फील करते हैं कि मेरा दोस्त मेरे से खुल के बात नहीं कर रहा है, क्या बात है, कुछ छिपा रहा है, या आपको फील हो जाता है, जस्ट ऐसा फीलिंग्स हो सकता है। ये क्यों होता है, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के जमाना में जब आपको ये फीलिंग्स आ जाएगा ना तो आप अपने आप देखेंगे खुलकर बात नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन सेकेंड जो डिमेरिट्स है, अमंग एम्प्लाइज टू वर्क एंड कॉपरेट विथ अदर एम्प्लाइज मे बी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन। देखेंगे जब तक कॉपरेशन का आपके में कोई फीलिंग्स नहीं है तब तक क्या आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाके कुछ बात करेंगे, आपको बात भी करना है तो क्या करेंगे, चलिए यार मेरा अपना डिपार्टमेंट है, वो अलग डिपार्टमेंट है। ये जब फीलिंग्स आ जाएगा तो आपका कॉपरेशन अपने आप क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।